नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। महिला से रेप के बाद सड़क पर फेंका, उड़ीसा की महिला से रेप करने के बाद फेंका। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। सराय काले खा में महिला को फेंक कर आरोपी जो है वो फरार हो गया। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी है। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने महिला को देखा और पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पीड़ित को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार करीब सुबह 3:30 बजे उन्हें इस घटना की सूचना मिली थी। पुलिस ने कहा कि उन्हें संदेह है कि महिला के साथ किसी और स्थान पर दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे सराय कालेखा इलाके में फेंक दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। तो दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी है। महिला से रेप के बाद सड़क पर फेंका गया, उड़ीसा की महिला से रेप करने के बाद बॉडी जो है वो सड़क पर मिली। सराय कालेखा में महिला को फेंक कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर अब जांच में जुटी है। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने महिला को देखा और पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पीड़िता को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार करीब सुबह 3:30 बजे उन्हें इस घटना की सूचना मिली थी। पुलिस ने कहा कि उन्हें संदेह है कि महिला के साथ किसी और स्थान पर दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे सराय खाले खा इलाके में फेंक दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की चर्चा।